अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर की। आपके लिए इल्म नजूम के हिसाब से मार्च 2021 कैसा रहेगा? आज हम बात करेंगे बिजनेस, कैरियर की, तालीम और शादी की। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और आल पर भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा, मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हर बार की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे कैरियर और बिजनेस की। तो जो लोग कोई भी सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने में आपको अपने जूनियर और सीनियर का साथ मिल सकता है। और जो लोग मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं आपके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। और जो लोग आईटी फील्ड से हैं, टेक्निकल लाइन से कोई भी काम करते हैं या फिर लोहे सरिये वगैरह का कोई काम करते हैं, कारोबार करते हैं, आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने में आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन इस महीने में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और जो लोग किसी के साथ पार्टनरशिप पर काम करते हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से में की गई बात आपका काम बिगाड़ सकती है, ध्यान रहे। बिजनेस व्यापार करने वालों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा, आपकी इनकम अच्छी होगी इंशाल्लाह। अब बात करते हैं तालीम की। तो इस लिहाज से आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा और जो लोग बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बस आप दिल लगाकर पढ़ाई करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं फैमिली और शादीशुदा लाइफ की। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये महीना ठीक रहेगा, लेकिन इस महीने में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो घर में टेंशन हो सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये महीना ठीक रहेगा। अगर बात करें फैमिली की तो इस लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सेहत की। तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, बस किसी किस्म की बद परहेजी ना करें, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। और जो लोग पहले से बीमार हैं और मेडिसिन ले रहे हैं वो अपनी मेडिसिन वक्त पर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी दुआ है अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इल्म नजूम के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था वो आपको बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।